आधी अपनी औका, इसलिए नफरत करता हूँ मैं। फू है तुझ पर। चुप। चुप हो जाओ। ये मर गए क्या? Filthy mouth, deserved it. Wondering मैं यहाँ क्या कर रहा? कहानियां सुना रहा। Stories. याद है आपको पंचतंत्र की कहानियां, रिटन बाय आचार्य विष्णु शर्मा, जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सीख भी देती हैं, यू नो अबाउट लाइफ, पीपल, रिलेशनशिप्स। आई नो जेन जी नहीं बताओ, इसीलिए आपके लिए लेकर आ रहा हूं पंचतंत्र की नहीं मंच तंत्र की कहानियां। वॉच, एंजॉय, लर्न ऑल इफ यू विश टू। स्टोरीज विद अ पंच। हम सभी राजा और रानी की कहानियाँ सुनकर ही बड़े होते हैं, तो स्टार्ट राजा रानी की कहानी से ही करते हैं। 5th century में उज्जैन के राजा हुए राजा भृतहरि, जिन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर सन्यास अपना लिया। जीवन की एक घटना ने उन्हें राजा से सन्यासी बना दिया। अपना सारा राजपाट त्याग कर वो बाबा गोरखनाथ के शिष्य बन गए और संस्कृत के महान आचार्य भी। उनके लिखे 3 शतकों में से एक नीति शतकम में उन्होंने अपने जीवन की इस घटना को एक श्लोक में पिरो दिया। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, सा अपन्यमिच्छति जनम, सा जनो अन्य सक्तम, अस्मत् कृते च परित्यति काचिदन्य, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मिल गए, शुरू कहानी। वो वृंदा, तुम मुझे कॉल कर लेती, मैं आ जाता। तुम इसी स्पीड से आते ना तो मेरी माँ दवाई खाने के लिए बचती भी या नहीं पता नहीं। अच्छा सुनो, 4 दवाइयाँ इसमें नई लिखी है, प्लीज ला के दो ना। वैसे कैसी है तुम्हारी माँ? क्या बोला डॉक्टर ने? तुम्हें तो पता ही है कैंसर पेशेंट है, और फिर मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ तो उनका ख्याल रख लेती हूँ। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी तुम्हारी माँ। अच्छा वैसे रघु, मदन जीजा जी कहाँ हैं? वो सुसु करने गए हैं। अच्छा चलो मैं उनका यहाँ वेट करती हूँ, मुझे ना उनसे काम है, उनसे हॉस्पिटल के बिल लेने हैं, हॉस्पिटल में जमा भी तो करने हैं। किसको फोन कर रही हो? मदन जीजा जी को। मगर क्यों? फोन की आवाज आ रही है। अरे यार अभी तो रिंग जा रही थी फिर फोन कट गया, कहाँ गायब हो गए? मुझे आज दिन में ही फोन किया था कि रात को मिलना, हॉस्पिटल के बिल देंगे, कल हॉस्पिटल में बिल सबमिट भी तो करने हैं, कहाँ गए? मैं फिर मिलाती हूँ। रघु तुम्हें फोन की आवाज सुनाई दे रही है? तुम तो बोल रहे थे यहाँ नहीं है वो, यही फोन छोड़ गए क्या?
जीजा जी आप किडनैप हो गए। रघु जीजा जी को किसी ने किडनैप कर लिया। जीजा आप किडनैप हो गए। मैं आपको खोल दूँ। मैं क्या करूँ? बकरी हो गया। मैंने किया किडनैप। तुम पागल हो? इतने अच्छे जीजा जी उनको तुमने किडनैप कर लिया। बैड जीता जी हैं, वेरी बैड जीता जी हैं। कोई बैड जीता नहीं, पागल हो तुम? नहीं नहीं देखो ना, रघु तेरी इतनी औकात साले मादर। मैं बोला था ना बैड जीता जी हैं। तुम चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तुम्हें पता है दीदी को मारते हैं मेरी। अरे कौन सा पति है जो अपनी पत्नी को नहीं मारता? इसका मतलब तुम अपने जीजा जी को किडनैप कर लोगे? छोड़ो लगो मुझे, खोलने दो उन्हें। नहीं नहीं खोलना, नहीं खोलना। अरे छोड़ो मुझे। नहीं खोलना। छोड़। नहीं। छोड़। दो। छोड़। दो। छोड़। दो। छोड़। दो। छोड़। दो। छोड़। दो करोड़। दो करोड़। दो करोड़। इसके पास पूरे 2 करोड़ है। मैं उसमें से तुम्हें भी हिस्सा दूंगा। 2 करोड़? हाँ 2 करोड़ कैश। क्या है बाहर? तुम इनको खोलना मत। कमाल है यार, दुकान बंद करके बैठा है। मैं तुम्हें भी हिस्सा दूंगा 2 करोड़। सोचो तुम, सोचो। मैं देख के आता हूँ। देख के खोलना मत, खोलना मत। अभी तू पागल है क्या? तूने देखा नहीं तेरी मौत के अगले रात ही कैसे हो? तेरे 2 सिलिपटी हुई थी। अरे भूल जा उसे। हाईवे पे 3 लड़कियों की मौत हुई है, एक से इसकी सेटिंग करा देना। अरे रघु भाई मिलो जय वीरू से। नहीं नहीं मौत हुई है इनकी। ओए पैर छो भैया के। तुम्हारे पास है 2 करोड़ कैश? रघु सच बोल रहा है? चुप रह। अरे रघु भाई ये मेडिकल स्टोर बंद क्यों किया हुआ है? 24/7 मेडिकल स्टोर है, ऐसे बंद अच्छा थोड़ी लगता है। अबे लक्की कम नशा किया कर, कहीं ऐसा ना हो लाशें उठाते उठाते एक दिन तू भी लाश बन जाए। मुझे तो इंतजार है उस रात का, जिस रात ये झूठा शरीर खुद साथ छोड़ दे। सब कुछ झूठ है रघु भाई, सच सिर्फ मौत है, तो फिर मौत से कैसा डर? चुप। चल अब कहती मत कर, ये ले। बस एक? अरे एक तो रघु भाई ये दोनों ही पी जाएंगे, मेरे लिए तो कुछ बचेगा भी नहीं। सारी रात काम करना है, हाईवे से 3 लड़कियों की लाश भी उठानी है। रघु भाई ऐसा मत करो यार, इतनी कंजूसी, यही दोस्त यही प्यार बीच में आ गया व्यापार। मेरे को पता था तू 2 मांगेगा, ये ले चल जा अब जा। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे रघु भाई। क्या बोलता है? कुछ तो गड़बड़ है, क्यों पूछ क्या? अबे आज क्लाइंट नहीं ना। चलो मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम दोनों इस पे नजर रखो ठीक है। रघु कहाँ है 2 करोड़? वो तो जीजा जी को पता है ना, उनका मुंह खुलवाना पड़ेगा। अबे ये मर गए क्या? कौन सा इंजेक्शन दिया है? अबे ये, इससे तो आदमी कभी कभी हमेशा के लिए सो जाता है, पर ज्यादा डोज हो जाए तो। Linda.
बाद ना ठरक नहीं जा रही। कहाँ है 2 करोड़? कहाँ है 2 करोड़? 2 करोड़ नहीं है, 7 करोड़ है। 7 करोड़? 7 करोड़? हाँ, कहाँ है 7 करोड़? बच्चन साहब के पास। अगला सवाल। 7 करोड़ की ए जीजा, मुझे पता है तूने वो वैक्सीन क्या है में 2 करोड़ अंदर किए हैं। कहाँ है पैसे? हमारे बीच यही है, इस मेडिकल स्टोर में। कहाँ है? कहाँ है? कैश नहीं है वृंदा। है वृंदा, देख तू इसके चक्कर में मत पड़, ये भी जेल जाएगा तुझे भी जेल भिजवाएगा। सुन नंदा, खोल दे मेरे हाथ, दे दे मेरा साथ। हाँ, नहीं 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 वृंदा, हम इन्हें तभी खोलेंगे जब ये 2 करोड़ का सच बताएंगे। 2 करोड़ का सच बता दूंगा तो खोल लेगा मुझे? हाँ खोल दूंगा। ये तेरी औकात, 2 करोड़ तेरे बाप ने भी देखे हैं कभी? ठीक मांगे की वाला है वृंदा। ये देख इसकी शक्ल, देख ये है इसकी औकात मेरे सामने। ऐसे ही थूकता हूं मैं इसकी बहन के मुंह। वृंदा ये देख, इसके चक्कर में तू भी जेल जाएगी, इस चक्कर में मत पड़। आज खोल दे, सुन इधर। रघु जीजा जी सही कह रहे हैं, मुझे फंसना नहीं है, मैं इन्हें खोल देती हूँ। 40 लाख? 40 लाख? 40 लाख? अरे वृंदा मत सुन, ढक्कन है वो, ढक्कन ढापा ढक्कन है वो, उससे पूछ 40 रुपए भी है क्या उसकी जेब में? 40 लाख? अरे वृंदा देख, ये मेरा पालतू कुत्ता है, पागल हो गया इसलिए भौंक रहा है मुझ पे। 40 लाख? डन। नहीं वृंदा देख, सुन वृंदा मुझे खोल। कहाँ है 2 करोड़? घटिया। दिखा दी अपनी औकात, दिख गई तू भी औरत है ना, पलटनी थी तब तो कैसे कोई भरोसा कर सकता है ना, तुम किसी की सगी नहीं हो सकती। औरत ना पैर की जूती बना के रखने के लिए होती, इसलिए जूती बना के रखता हूँ उसकी बहन को मैं। डायन सब औरत क्यों होती? क्योंकि तुम ना मरने के बाद भी खून पीना नहीं छोड़ सकते। चू औरत के आगे पैसों की हड्डी डालो ना तो तुम हिलाती भी पीछे। चू इसलिए नफरत करता हूँ मैं औरत। चू ना रही तेरी शक्ल देख कर, थू है तुझ पर, पैसों के लिए तू भी बिक गई। चू अभी पता पड़ी तुझे तेरी औका, ऐसे ही थूकता हूं मैं इसकी बहन पे। चू चू थू चू ना रही अभी पता पड़ी तुझे तेरी औका, ऐसे ही थूकता हूं मैं इसकी बहन पे। थू है तू, चुप हो जाओ। ये मर गए क्या? जीजा जी तो गए। रघु जीजा जी मर गए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मनोरंजन आपका, मंच हमारा। कैश कांड, कैश कांड, कैश कांड, कैश कांड, कैश कांड, कैश कांड, पैसा पैसा। एक रात की ये दौड़ लगी किस बात की, पर पारा सर पे चढ़ जाता जो बात हुई।
औकात की औकात है जब तक पैसा वरना पूछे ना कोई कैसा है ऐसा है कि ढूंढना है पैसा हमको ढूंढना है हाथ का मैल जो कहते हैं मुझे उनसे भी ये पूछना है कहाँ है पैसा अरे कहाँ है पैसा अरे पैसे वाला भी तो देखो मर के साला पड़ा है सा पैसे के इस लालच में भाई देखो कैसा हुआ है काम कैश कॉन कैश कॉन Cash on, cash on. Cash on, cash on. Cash on, cash on. Cash on, cash on. है सारे झूठे लोग यहाँ चेहरे पे नकाब चढ़ाया है है कौन सा सच्चा कौन सा झूठा कोई समझ ना पाया है ओ माया है पैसा और लड़की का चक्कर डूब आया है दोनों ने अच्छे अच्छों को सिखाया है हमको कहानियों ने भी अब वक्त नहीं इन बातों का तू खुद ही सच और झूठ को छाट पैसे के इस लालच में भाई देखो कैसा हुआ है काम कैश कॉन कैश कॉन